हेलो गाइस, ये कहना पूरी तरह से सही होगा कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में मिस्टीरियो ने अपने कैरेक्टर और टेक्नोलॉजी से सभी फैंस को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज करा। टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, हैंक पिम और सूरी, ये एमसीयू के कुछ ऐसे कैरेक्टर रहे हैं जिन्होंने एमसीयू में बहुत सी ग्रेट इन्वेंशन करी हैं, जिस वजह से इन सभी कैरेक्टर्स को एमसीयू के मोस्ट स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में मिस्टीरियो या कहा जाए क्विंटन वेक ने भी ये प्रूव कर दिया कि वो कहीं ना कहीं इन बाकी स्मार्ट कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं लेकिन उनके जैसा ही स्मार्ट है। मैं अपनी पिछली वीडियो में ये पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे मिस्टीरियो ने वार्फ टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करा था, जिसके बाद इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस वार्फ टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए मिस्टीरियो ने इतने थ्रिलिंग इल्यूजन कैसे क्रिएट करे, स्पेशली डेड आयरन मैन का इल्यूजन। सो इन केस अगर आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी अभी तक नहीं देखी है तो उन ग्रेट फैंस के लिए एक स्पॉइलर वार्निंग। तो गाइस, ये बात तो हमें से सभी फैंस ने नोटिस की होगी कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में मिस्टीरियो को फेक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए अदर किसी भी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी। फिर भी उसका एक गोल था स्पाइडरमैन से एडिट टेक्नोलॉजी को लेकर उस पर कंट्रोल करना। मिस्टीरियो के पास पहले से वार्फ टेक्नोलॉजी थी जिसको वो बड़े बड़े ड्रोन की हेल्प से एलिमेंटल्स का इल्यूजन क्रिएट करने में या कहा जाए उनकी फेक 3D प्लस इमेज क्रिएट करने के लिए यूज कर रहा था। हालांकि ये उसके अकेले का काम नहीं था, इसलिए ये फेक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए मिस्टीरियो के पास उसकी खुद की एक टीम थी, जिसमें से कई लोगों का काम था एलिमेंटल्स के लिए 3D साउंड क्रिएट करना, उसमें स्पेशल इफेक्ट डालना, उन एलिमेंटल्स को और भी इनहांस बनाना जिससे वो और भी रियल लगे। वैसे एलिमेंटल्स की 3D प्लस इमेज क्रिएट करने के लिए मिस्टीरियो और उसकी टीम को एलिमेंटल्स की हर एक डिटेल पर काम करना जरूरी था, क्योंकि मिस्टीरियो चाहता था कि उनसे बैटल करने के लिए वो ही एक ऐसा सुपर हीरो लगे जो कि एलिमेंटल्स को हराने में केपेबल हो। जिसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से ऐसा माना जा सकता है कि सिर्फ एलिमेंटल्स को ही क्रिएट करने के लिए मिस्टीरियो और उसकी टीम को लगभग कई मंथ्स या फिर इयर्स का टाइम लग गया होगा, जिस वजह से यही सबसे बड़ा रीजन था कि मिस्टीरियो के पास बार्फ टेक्नोलॉजी का एक्सेस होते हुए भी उसे टोनी स्टार्क की एडिट टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, जो टोनी ने बार्फ टेक्नोलॉजी के साथ अपने एडवांस AI के यूज से एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जो लिटरली पूरे वर्ल्ड पर नजर रख सकती थी। यानी कि दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो एडिट के पास पूरे वर्ल्ड के सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन का डाटा था जो कि मिस्टीरियो एक्सेस करना चाहता था, जिस वजह से मिस्टीरियो के पास एडिट का एक्सेस आ जाने से उसे बार्फ टेक्नोलॉजी से इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कभी भी डाटा की कमी नहीं पड़ती, जिससे वो आसानी से ही वर्ल्ड के किसी भी पर्सन का इवन एवेंजर्स का फेक इल्यूजन बना सकता था। इवन उन लोगों का भी फेक इल्यूजन क्रिएट कर सकता था जिन लोगों को उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। अब अगर इसकी पॉसिबिलिटीज को देखा जाए तो मिस्टीरियो एडिट प्लस बार्फ टेक्नोलॉजी के यूज से एक ऐसा फेक वर्ल्ड का इल्यूजन क्रिएट कर सकता था जहाँ का वो एक गॉड हो। फिलहाल स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में मिस्टीरियो की इल्यूजन को इतने बड़े लेवल पर तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर मार्वल चाहता तो मिस्टीरियो के इन इल्यूजन्स को वो और भी इमर्सिव दिखा सकते थे। शायद मार्वल ऐसा आगे करे भी अगर मिस्टीरियो की एमसीयू में रियल डेथ ना हुई हो। सो गाइस, इस तरह से मिस्टीरियो के पास बार्फ टेक्नोलॉजी होते हुए भी उसे टोनी की एडिट टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। इस वजह से जब मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन के अगेंस्ट अपने इल्यूजन का यूज करा तब उसने पीटर पार्कर से रिलेटेड ऐसे इल्यूजन क्रिएट करे थे जो सिर्फ पीटर से ही कनेक्टेड थे, जैसे उसका फर्स्ट स्पाइडरमैन सूट और डेड आयरन मैन, जिसके लिए पीटर सबसे ज्यादा इमोशनल था। जाहिर सी बात है कि मिस्टीरियो को तो नहीं पता था कि पीटर का पहला स्पाइडर सूट कैसा दिखता था और फिर आयरन मैन की ग्रेप कैसी दिखती है, ये भी उसे नहीं पता था, जिस वजह से इस सब का डाटा एडिथ के एक्सेस से उसके पास था जिसके यूज से वो आसानी से ये इल्यूजन क्रिएट कर पाया था। अब गाइस, इस सब के अकॉर्डिंग आपका क्या मानना है कि मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी की एंडिंग में अपनी डेथ का फेक इल्यूजन क्रिएट करा है या नहीं, ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सच में मिस्टीरियो का इल्यूजन इतना इनहांस है कि उसका अपनी डेथ का फेक इल्यूजन क्रिएट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा जेक जेनहाल इतने बड़े और ग्रेट एक्टर हैं, इसलिए मार्वल ने उनके साथ सिर्फ सिंगल मूवी की तो डील साइन नहीं की होगी। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मैं अंकित मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।